अगर प्रधान विभाग वो तभी नहीं नाली साफ होती है, तभी नालियाँ साफ नहीं होती, नहीं होती है। हम ही लोग अपने अपने ठिकाने नाली साफ करते हैं। नालियों में गंदगी का लगा रहा अंबार, डेंगू मलेरिया का बढ़ रहा है खतरा। आपको बताते कि इस समय रायबरेली जनपद के सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत बनपुरवा धूरे मऊ में नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बड़ी बड़ी दावे करती आती है, वहीं पर समूचे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है और सरकार के नुमाइंदे केवल खाना पूर्ति भरी करके पल्ला झाड़ लेते हैं, जिससे पूरे प्रदेश में डेंगू मलेरिया का बढ़ रहा है खतरा। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती आती है और वहीं दूसरी ओर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं सफाई कर्मी। रायबरेली जनपद के डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से प्रभावित हैं, फिर भी जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा मासूम ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। अब देखना है कि लापरवाह जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है आपका? दीपू। ये ग्राम सभा कौन सी है? ये बनपुरवा धूरे मऊ बनपुरवा। ग्राम प्रधान यहाँ के कौन है? दुर्गा। ये गंदगी जो नालियों में जमी हुई है, ये कब से? ये तो सालों से पड़ी है। ये साफ नहीं हुई है? कभी नहीं साफ हुई है। क्या कोई सफाई कर्मी नहीं आता यहाँ पे? यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता। अच्छा, नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? श्याम दुलारी। ये ग्राम सभा कौन सी है? ये डूरे मऊ बनपुरवा। अच्छा, यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? यहाँ हमें इतनी क्या उनका चाचा दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर। अच्छा, हाँ तो अबे गए हमें। ये जो नालियों में गंदगी दिख रही है, हाँ, ये कब से साफ नहीं? साफ करने आता नहीं है। सफाई कर्मी नहीं है? कोई नहीं आता है। प्रधान ने वो भी नहीं, यहाँ आए अब दूसरा अगर प्रधान विभाग वो तभी नहीं नाली साफ होती है, तभी नालियाँ साफ नहीं होती, नहीं होती है। हम ही लोग अपने अपने ठिकाने नाली साफ करते हैं। देखो हमारा तो काम है होगा, बोलो। हाँ, वहाँ काम कहीं दूर।